गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। रेवाड़ी विधानसभा के गांव सहारनवास व बूढ़पुर में हुआ जोरदार स्वागत, फूल मालाओं तथा पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। बूढ़पुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, जनता से नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में कर रहा हूं वोटों की अपील, मिल रहा है जनता का भारी जन समर्थन। युवाओं से भी की अपील, देश निर्माण के लिए भाजपा को करें मतदान, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भाजपा को बताया जरूरी। कांग्रेस द्वारा गुरुग्राम सीट पर प्रत्याशी घोषित न करने पर नहीं की कोई टिप्पणी। देखो, सहारनवास एक सरदारी का गांव है, आसपास के गांवों को यहां आमंत्रित किया गया है और लादूवास के और खड़गवास के भी और गांव के लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अपील करी है कि मुझे मोदी का एक दूत समझते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कष्ट करें, और लोगों ने मुझे आश्वस्त कराया है, खासतौर के ऊपर जो नई पीढ़ी है उन्होंने, कि इस बार हम पिछली बार से निस्बत ज़्यादा वोटों से आपकी मदद करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। नए मतदाता 4.5 लाख है गुड़गांव लोकसभा में, क्या उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे को कि जो नए लड़के हैं, देश का निर्माण चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, हमारी साख विश्व के अंदर बढ़े वो चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नए लड़के जो पहली बार वोट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कुछ वजह मानते? ये तो कांग्रेस वालों की कमजोरी है कि क्यों नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उसके बारे में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलो।